नमस्कार व्यापारी भाइयों, मैं सुनील लोहार, श्री गणेश, मेरा जो शॉप है वो है श्री गणेश वेल्डिंग वर्क्स, एक बाइक जुगाड़ है स्टील वर्क्स। मैं आज आपके लिए लाया हूँ पूरी आइसक्रीम की लोरी, जो मैंने खुद ने बनाई है और हमारी दुकान पर ही बनती है। ये देखिए बाइक जुगाड़, जो मैंने पीटीओ शाफ्ट वाला सिस्टम चालू बनाया है, इसमें लगा हुआ इम्पोर्टेंट गियर, वो पूरा सिस्टम पीटीओ शाफ्ट में है। नीचे का चेचिस भी हम ही ने बनाया है, बाइक सामने वाले कस्टमर की रहती है, ठीक है। उसी के साथ मैंने पूरा कार्य करा है स्टील में पूरा कार्य करा है। ये गाड़ी आप देख लीजिए एक बार, अंदर एसीपी का कार्य है, साइड में भी एसीपी का कार्य है, सारा सिस्टम स्टील में किया हुआ है और सारा स्टील जिंदल में लगाया हुआ है, लोकल कोई स्टील नहीं है। पीछे से भी आप गाड़ी को देखिए, गाड़ी ऑटोमेटिकली एक ऑटो का लुक दे रही है, टेम्पो का लुक दे रही है, जैसे छोटे टाटा टेम्पो बनाते हैं उस तरह का लुक ये गाड़ी दे रही है आपको, वो भी बाइक पर। और साथ ही एलईडी बोर्ड, इस तरफ भी एलईडी बोर्ड का हमने दिया है। और ये गाड़ी देखिए आप, पूरी गाड़ी लग्जरी है और ये गाड़ी पूरी तरह से फोल्डिंग भी है, साथ ही खुल जाती है पूरे, ये तीनों पल्लड़ है साइड के, खुल के अलग हो जाते हैं। साथ ही कस्टमर की डिमांड पर हमने ये सीएनसी कटिंग करवाई है, इसके अंदर लाइटिंग चलती है, जिसमें ये दिन में भी अच्छी तरह से दिख रही है और रात में भी लाइटिंग के साथ अलग अलग कलर में दिखती है। सीएनसी कटिंग में सारे नाम हमने कटवाए हैं, सीएनसी कटिंग का पूरा कार्य, साथ ही पूरा विनाइल एक जैसा और व्यवस्थित तरीके का विनाइल का कार्य किया है। सारा मटेरियल जिंदल का यूज़ हुआ है, लोकल कुछ भी यूज़ नहीं है। यहाँ पर भी साइडों में भी हमने स्टील की चादर ही लगाई है, बल्कि एसी भी नहीं लगाई है। बहुत सारे लोग बाहर वाले एसी भी लगा के देते हैं केवल होल करने के चक्कर में, हमने सारे साथ ही स्टील की पूरी चादर लगा के दी। साथ ही सामने वाले ने अपने बच्चों के फ़ोटो दिए हैं, वो फ़ोटो भी हमने विनाइल के द्वारा लगा दिए हैं। आगे भी हमने टेम्पो वाला लुक राउंड वाला दिया है, जैसा ऐसा लगता है आगे से भी टेम्पो ही है। और आगे से भी देखिए आप, पूरी गाड़ी लग्जरी है, सारा सिस्टम ये खुलने वाला है, ये सारा सिस्टम आगे से, आगे और पीछे से खुल जाता है, साइड में से खुल जाता है और पूरी गाड़ी एक जैसी पैक भी हो जाती है। रात को कस्टमर घर पर जाकर खड़ी करने के बाद उसको चिंता नहीं रहती कि मैं सामान निकालूं अंदर से, गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी। इस गाड़ी में हमने रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम किया है, जो कि इम्पोर्टेंट गियर में किया है और वो पूरा सिस्टम पीटीओ शाफ्ट में बना हुआ है। तो इसमें जो बाइक लगाई गई है वो आपकी रहती है या कस्टमर की? नहीं नहीं, ये बाइक कस्टमर की रहती है, हमारी बाइक नहीं रहती है, बाइक कस्टमर को देना रहता है। केवल हम हमारी गाड़ी का प्राइस बताते हैं उसको, जो हम बनाते हैं उसका प्राइस बताते हैं। जैसे ये गाड़ी है, वैसे तो ये गाड़ी पूरी 1,35,000 में बनी है। अंदर इस आइस बॉक्स की वाली गाड़ी में क्या होता है, उसमें कस्टमर फ्रिज और आइस बॉक्स कस्टमर का रहता है, हमारा नहीं रहता। जैसे कस्टमर बोल देता है कि अगर आइस बॉक्स भी आपको लगाना है और फ्रिज भी आपको लगाना, तो उसका पैसा हम अलग से बताते हैं। इस आइस बॉक्स का पैसा अलग से है, इसके कस्टमर से अलग से नहीं है। उसी के साथ कस्टमर की डिमांड थी कि हमारी गाड़ी में साउंड लगाना है, तो हमने कस्टमर को ये बहुत ही बढ़िया वाला बूंदी वाला साउंड लगा के दिया है। साथ ही कस्टमर ने बोला है कि हमारे यहाँ बैटरी नहीं मिलती है, तो बैटरी भी आप लगा देना, तो ये बैटरी भी हमने एमरॉन कंपनी की ओरिजिनल बैटरी हमने लगा के दी है। तो ये सभी के साथ इसकी कीमत क्या रहेगी? इन सभी के साथ अगर कस्टमर मांगता है, आइस बॉक्स मांगता है, तो आइस बॉक्स के साथ इसकी कीमत रहेगी 1,62,000 आइस बॉक्स के साथ। अगर फ्रिज मांगता है तो फ्रिज के साथ इन्वर्टर भी लगानी पड़ती है और बैटरियाँ भी लगानी पड़ती, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे भी अगर आपको जानकारी लेनी है, आप फ़ोन पे ले सकते हैं मेरे से। आइस बॉक्स की जो रेट रहती है, उसके साथ हम कस्टमर को जैसे ये कोठी भी 10 लीटर 15 लीटर 20 जैसी जैसी चॉइस के ऊपर मांगता है, उसी साथ आइसक्रीम का कटर भी हम साथ में देते हैं। चारों खाने हैं जिसमें चार कोठियाँ अलग अलग हम देते हैं कस्टमर को, जब जो 20 लीटर 10 लीटर जो कस्टमर मांगता है। और एक कस्टमर ने चार खानों का आइस बॉक्स मांगा, वो चार खानों का हमने दिया है। साथ ही ये एक स्टोरेज डिक्की है, जिसमें किसी भी प्रकार का सामान कस्टमर रख सकता है। ये डिक्की देखो, स्टोरेज डिक्की है पूरी। और इसी के साथ हमने इसमें लाइटिंग भी करी है, जो भी बहुत बढ़िया लाइटिंग करी है। केवल और लाइट से नहीं चलेगी, ये बैटरी से चलने वाली लाइटिंग है, एलईडी लाइटिंग है, बढ़िया वाली लाइटिंग का यूज़ किया है हमने। और साथ ही इसके साथ में आप देखिए, ये वाली लाइटिंग है, डेकोरेट लाइटिंग को भी हमने यूज़ किया है। और एलईडी बोर्ड जो भी लाइट में एक नंबर चमकने वाले हैं, इनका भी यूज़ हमने किया है। तो जो व्यापारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऑर्डर करने की क्या प्रोसेस रहेगी? व्यापारी अगर इसको देख रहे हैं और वो फ़ोन पर ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उनको हमें डाउन पेमेंट देना रहता है। डाउन पेमेंट देके वो बोलते हैं हमें इस साइज़ में बना दो, वो चाहे तो गाड़ी यहाँ से भी खरीद सकते हैं और साथ में भी लेके आ सकते हैं। जैसे उसने डाउन पेमेंट डालने के बाद उनका काम चालू हो जाता है।
साथ ही हम कस्टमर को रात में परेशानी नहीं आए इसके लिए ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर दोनों कंप्लीट चालू करके देते हैं, बैटरी द्वारा चालू है कंप्लीट। साथ ही इस गाड़ी को आप देखिए पूरी तरह फोल्डिंग हो जाती है, जैसे पूरी तरह फोल्डिंग गाड़ी है ये, एक यहाँ से खुलकर दुकान जैसे जैसे ओपन करता जाता है कस्टमर वैसे वैसे ओपन होती जाती है। ये चीज़ें देखिए आप, ये देखिए पूरी गाड़ी ओपन हो जाती है, कस्टमर नाइट में पैक करना चाहे पूरी पैक हो जाती है। आगे से भी ये फोल्डिंग है, सारा सिस्टम फोल्डिंग ही बना हुआ है इसमें, आगे से भी ये फोल्डिंग हो चुकी है।